वेलकम बैक टू द बालाजी स्टडी पॉइंट एंड देव फाउंडेशन। जैसा कि हम लोग फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ रहे थे, लेसन फर्स्ट पढ़ चुके थे हम लोग, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेसन टू का स्टार्ट, मतलब अभी लेसन टू स्टार्ट से पढ़ने वाले हैं। तो लेसन का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। और लेसन फर्स्ट के लिए हम बता दें कि आपकी पूरी थ्योरी हो चुकी थी, उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी हो गया था। हमने बताया था कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। तो हम लेसन सेकेंड में हम थ्योरी लेके आए, थ्योरी में सबसे पहले लेसन का नाम है गॉस की वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। काफी छोटा लेक्चर है, ज्यादा दिक्कत नहीं, एक या दो लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेसन में सबसे फर्स्ट हेडिंग है आपकी क्षेत्रफल वेक्टर। अगर हम बात करें वेक्टर की या भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियां आपकी बेटा दो प्रकार की, एक होती है अदिश, दूसरी होती है सदिश। ये क्यों बता रहे हैं आप ये भी समझ जाएंगे। सदिश जो राशियां होती है इसके लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, लेकिन अदिश के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। आप बोलते हो कि अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां वे होती हैं जिनके लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। बेटा दिया हुआ है क्षेत्रफल वेक्टर, सदिश को ही इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल का वेक्टर स्वरूप क्या होगा, तो इसकी परिभाषा होगी, आप हेडिंग डालोगे क्षेत्रफल वेक्टर और लिखोगे किसी क्षेत्रफल के परिमाण तथा उसके एकांक सदिश के गुणनफल को, उसके एकांक सदिश के गुणनफल को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। थोड़ा सा तेजी में लिखेंगे आप, तो आप देख चुके मतलब कि उसके परिमाण तथा एकांक सदिश के गुणनफल को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, इसे ए कहते हैं, ठीक है ना। ए कैप का परिमाण हो जाएगा एन, और सॉरी ए और एकांक सदिश हो जाएगा एन कैप। तो ये आपका नीचे फॉर्मूला उसी में आप लिख लेंगे, ए कैप या सॉरी ए सदिश बराबर ए गुणे एन कैप, एन मतलब एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो बेटा, इकाई हो या एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं एकांक सदिश। तो ये आपका फर्स्ट ईयर 11th में टॉपिक है, तो उसमें डिटेल में आपने पढ़ लिया होगा। तो नीचे आप लिख लेंगे क्षेत्रफल वेक्टर की जगह एक वेक्टर बराबर ए इंटू एन कैप, तो इसको बोलेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है घनकोण, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी घनकोण। तो घनकोण पे हम लोग बात करेंगे, तो ये हम रिमूव कर दे रहे हैं आपका। घनकोण के लिए लिखना है, लिख के बिल्कुल आसानी से आपको चित्र से याद कर लेना। ये हमने मान लिया कोई गॉसियन थ्रस्ट है, उसमें से आपने कोई एक डीए बहुत ही छोटा क्षेत्रफल ले लिया। अब ये क्षेत्रफल जो उसके सेंटर पे एंगल बनाएगा, यहां मान लो उसका केंद्र है, तो वो जो कोण बनेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डी ओमेगा, तो उसी को हम लोग घनकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, घनकोण। तो आप हेडिंग डालेंगे घनकोण और लिखेंगे, देखिए घनकोण वह कोण है जो, घनकोण वह कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, ये भाग है आपका गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले की सॉरी गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है। इसका मात्रक स्टे रेडियन होता है, इसका मात्रक स्टे रेडियन होता है। फिर से आप समझ लीजिए कि गोले के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पे जो कोण आंतरित किया जाएगा वो आपका कहलाएगा घनकोण। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। हम लोग बच्चा बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की, बिल्कुल आसानी से हम लोग याद करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। पहली बात तो ये समझिए कि वैद्युत फ्लक्स आता कहां से है, जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तभी आपका वैद्युत फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, उसके बाद में हम आपको करवा देंगे। तो हेडिंग डालिए वैद्युत फ्लक्स और लिखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से
होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के माप के बराबर होता है, माप के बराबर होता है। अब हमने मान लिया ये हमारे पास एक काल्पनिक प्रश्न है, इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर रही, मतलब कि वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही, जब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी तभी आपका वैद्युत क्षेत्र आएगा, तो उन बल रेखाओं की जो संख्या होगी काउंटी होगी वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। लिख लीजिए आप उसे, इसे फाइ ई से प्रदर्शित करते हैं, फाइ ई बराबर हो जाता है ए इंटू ए, इसे फाइ ई से प्रदर्शित करते हैं तो फाइ ई बराबर हो जाएगा ए इंटू ए, और इसी को कभी कभी लिख देते हैं फाइ ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो जब एंगल के बेस पे बात करेंगे तो ए हो जाता है आपका फाइ ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब उसी में आप नीचे लिख लोगे कि ये क्या है, अदिश राशि है, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो आप लिख लेना नीचे कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब बेटा थोड़ा सी चर्चा और करेंगे कि अगर इसी से दूसरी डेफिनेशन आप बनाना चाहते तो आपके पास फॉर्मूला था पाई ई बराबर ई इंटू ए, ए को अगर यूनिट मान ले, मतलब कि एकांक मान ले कि उसका जो प्रस्थ है उसका क्षेत्रफल क्या है ए है, तो आप बोलोगे कि एकांक प्रस्थ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र, या बता दोगे कि होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, ई का मतलब इलेक्ट्रिक हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं। अब बात आती है मात्रा की, तो मात्रा कैसे निकालेंगे ये समझिए, मात्रक के लिए रखने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया है कि फाई ई बराबर आपका फॉर्मूला है ई। अगर E के मात्रक की बात करें तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, वो भी कैसे आता है, आपने E बराबर पढ़ रखा था F अपॉन Q, F का मात्रक हो गया बेटा न्यूटन और Q का मात्रक हो गया कूलम, तो इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये अगर ऐसे लिखेंगे सही से तो ये E का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, ए बेटा मल्टीप्लाई में है, ए का मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है आपका, तो ये हो जाएगा बेटा इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो आप आसानी से इसको लिख लोगे कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। अब बात करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो ये बल का न्यूटन किसका होता है बल का, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला है एमएलटी माइनस टू, याद करना अच्छी बात है, रखना अच्छी बात, उससे पहले यह समझना है कि हमको निकालना कैसे, मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा मीटर का अपॉन कूलम, क्यू बराबर हम लोग पढ़ते हैं आई टी आई ए टी हो जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा ए इंटू टी, इसको रिप्लेस करेंगे ऊपर ले जाएंगे, पहले तो इसी को देख लीजिए तो एम एल क्यू टी माइनस टू और ये हो जाएगा ए माइनस वन और टी माइनस वन हो जाएगा, आप इसको रिप्लेस करिए तो एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप लिख लेना कि वैद्युत फ्लक्स का भी ये सूत्र एम एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे आपका दिया हुआ है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, यानी गॉस ने इसी से संबंधित एक प्रमेय दिया या एक नियम दिया जिसे हम लोग बोलते हैं गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम, इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं भाई। चलिए भाई बात करते हैं गॉस ने क्या बताया, तो पहले हेडिंग डाल के आप लिखेंगे फिर उसको हम आराम से आपको समझा देंगे, आप लिखिए गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। देखिए गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतकी में किसी काल्पनिक, गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतकी में किसी काल्पनिक बंद प्रस्थ, ब्रैकेट में लिख लेना जिसे गॉसियन प्रस्थ कहते हैं, उन्होंने इमेजिन किया कि ऐसा कोई प्रस्थ होगा या मान रखा कि ऐसा कोई प्रस्थ है, किसी काल्पनिक बंद प्रस्थ या गॉसियन प्रस्थ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स आप जानते हो फाई तथा आवेश के बीच में संबंध बताती है, आवेश मतलब कि क्यू तथा आवेश के बीच में संबंध बताती है। देखिए इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद प्रस्थ से होकर गुजरने वाला, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद प्रस्थ से होकर गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश का कुल आवेश लिख लेना आप, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब आप उसी में नीचे लिख लेंगे, यदि विद्युत फ्लक्स फाई ई और परिबद्ध आवेश क्यू हो तब क्यू का 1/ε0 गुना तो इंटू 1/ε0 होगा। इसको अगर सही फॉर्मेट से लिखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा q/ε0। बेटा ये भी लिख सकते हैं, ये तो गॉस का फॉर्मेट है, रूल है जो दिया उन्होंने, और अभी हमने पढ़ा था कि फाई बराबर e इंटू ए होता है, इसके बराबर में आप लिख सकते हो फाई बराबर e इंटू ए बराबर q/ε0। ये इस वजह से आपको बता रहे हैं कि इस फॉर्मेट में, इन दोनों के बराबर वाले फॉर्मेट में हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे, तब हमको ये लगता है कि सर ये फॉर्मेट कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो आप याद रखिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था फाई बराबर e इंटू ए, गॉस ने ये रूल दिया, लेकिन ये भी आप कंडीशन फॉलो करोगे क्योंकि ये भी तो बराबर होता है उसके, तो ये बराबर उसके, तो वो उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइव बराबर आपका फॉर्मूला आ गया e इंटू ए, तो ये तो फॉर्मेट लिख लिया। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है गॉस के नियम की उपपत्ति या गॉस के प्रमेय की उपपत्ति, हम लोग उस पर बात करेंगे,